डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंडियन नेवी अग्निवीर के लिए आप किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, किस प्रकार से नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और दोस्तों, बड़ी खास बात है ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप मोबाइल से आवेदन कर सकते हो और MRSSR का फॉर्म भरने के लिए आप लोग वेट कर रहे हो तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी किस प्रकार से नेवी का रजिस्ट्रेशन करते हैं और किस प्रकार से फॉर्म भरते हैं और आपका फॉर्म कब से फिल होगा, तो ये भी चीज़। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले देखिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए फॉर्म भरने के लिए आपको ज्वाइन इंडियन नेवी के ऑफिशियल साइट पर आना पड़ेगा। तो चलिए ज्वाइन इंडियन नेवी के ऑफिशियल साइट पर आ जाते हैं। दोस्तों, आपको गूगल में आने के बाद आपको सर्च कर लेना है ज्वाइन इंडियन नेवी। उसके बाद यहाँ पर देखिए रजिस्टर का ऑप्शन आने लगा है। ये रजिस्टर का ऑप्शन बहुत पहले से भी आता था, मतलब अभी आप रजिस्टर कर लीजिए, बाद में आपका साइट चले या ना चले उससे कोई मतलब नहीं, आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो अभी आप लोग रजिस्टर करके ऑलरेडी रहिए। तो सबसे पहले रजिस्टर कैसे करना है, तो आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है या फिर यहाँ पर आकर यहाँ से आप रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर दो चीज़ पूछेगा, आधार कार्ड के थ्रू आप करना चाहते हो या विदाउट आधार करना चाहते हो। तो मेरे पास जो कैंडिडेट्स हैं ये, इनके पास मतलब आधार कार्ड में थोड़ा सा त्रुटि है तो ये विदाउट आधार कार्ड करना चाहते हैं। तो चलिए इनका विदाउट आधार कार्ड हम इनका रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले इनके पास है 10th और 12th का मार्कशीट, तो मार्कशीट को सिलेक्ट कर लेंगे। आपके पास कुछ और है तो आप कुछ और सेलेक्ट कर लीजिए और फिर यहाँ पर इनका सीरियल नंबर लिखते हैं। उसके बाद आपको कैप्चा फिल कर देना है, ठीक है ना साथियों। कैप्चा फिल करने के बाद आपको फिर से सेव कर देना है, ठीक है। सेव पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको अकाउंट मिल जाएगा। आपको देखिए यहाँ पर रजिस्टर करने का अकाउंट आ जाएगा। आपको यहाँ पर अपना खुद की डिटेल्स, आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करनी है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, फर्स्ट नेम। जैसे माय नेम इज आनंद, तो मैं यहाँ पर आनंद लिख दूंगा। या मान लीजिए आपका नाम राहुल है तो आप यहाँ पर राहुल फिल कर दीजिएगा। और बात है यहाँ पर मिडिल नेम अगर है आपका कुछ तो आप लिख सकते हो, बाकी यहाँ पर लास्ट नेम आपको लिखना है। तो भाई अगर कोई कुमार लगाता है तो डायरेक्ट लास्ट नाम लिखेगा, और कुछ मिडिल नेम भी है तो आप लोग मिडिल नेम भी लिख सकते हो। मतलब ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, मोबाइल नंबर डालना है, फिर से फादर्स नेम डाल देना है या मदर्स नेम, और गार्जियन का नेम डाल देना है। मदर फादर किसी को भी आप बना सकते हो या कोई और भी है फैमिली में उनको भी बना सकते हो, पैन कार्ड कोई ज़रूरी नहीं है। और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, फिर से नेशनलिटी और डोमिसाइल, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेशनलिटी देखिए यहाँ पर कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो इंडियन, नेपाली और भूटानी, तीन जगह के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर देख सकते हो कि डोमिसाइल पूछा जा रहा है, तो आप जिस भी स्टेट से हैं आप डोमिसाइल डाल सकते हो। और हाँ, इधर उधर का डोमिसाइल मत डालना नहीं तो पकड़े जाओगे और बिल्कुल कड़ी तरीके की जो कार्रवाई होगी आप पर की जाएगी। तो साथियों, जिस स्टेट से आप हैं उसी स्टेट का डोमिसाइल डालें। और बात है मेल फीमेल, तो इस बार खुशी की बात है कि आप दोनों लोग अप्लाई कर सकते हो, मेल और फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप लोग अप्लाई कर दीजिए। और यहाँ पर तो सिर्फ सिंगल कैंडिडेट्स ही अप्लाई करते हैं इसलिए ऑलरेडी इस पर टिक है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपके शरीर में कहीं कटे छटे हैं या कोई कट मार्क है या फिर मोल वगैरह कुछ भी है, तील वगैरह जिसको बोलते हैं आप। और फिर यहाँ पर सिंपली एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर, जैसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डालना है यहाँ पर। कोई बच्चा 12th किया है साइंस से तो वो सीधे 12th डालेगा, अगर बीए पार्ट 1, 2, 3 में है तो वो कुछ नहीं डालेगा, सिर्फ 12th डालेगा। और कोई कहेगा कि भैया मैं 11th में हूँ तो 11th का कोई ऑप्शन है कि 11th का, तो भाई आपको 11th का यहाँ पर डालने का नहीं आता है। और देखिए यहाँ पर 10th का डाल सकते हो, अगर कंप्लीट है 12th तो 12th डालिए, नहीं है तो फिर आप 10th डालो, क्योंकि 10th पर आप MR का फॉर्म फिल कर सकते हो, ये सब होता है। और यहाँ पर कैप्चा वगैरह फिल कर, देखो एक चीज़ और यहाँ पर अकाउंट डिटेल में आना है। अकाउंट डिटेल में यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, जिस ईमेल आईडी से आप नेवी का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो वही रजिस्ट्रेशन के लिए वही ईमेल आईडी डालना, जो ईमेल आईडी का पासवर्ड याद हो, या फिर मतलब पासवर्ड याद भी नहीं रहेगा आपके मोबाइल में लॉगिन होना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ प्रोसेसेस होते हैं ज्वाइनिंग के समय जो कि ईमेल आईडी की बहुत ही सख्त ज़रूरत पड़ती है गाइस। और साथ ही साथ यहां पर पासवर्ड अपने आप से क्रिएट करना है, ये पासवर्ड
क्रिएट करना है ये पासवर्ड क्रिएट। और कोई कहेगा कि भैया पासवर्ड भूल जाएंगे तो क्या होगा, तो भाई पासवर्ड भूल जाएगा तो कुछ नहीं होगा, बस सिर्फ़ और सिर्फ ये होगा कि आप पे मतलब खुद का रिजल्ट नहीं देख पाओगे, तो ये दिक्कत हो जाएगी। और पूछेंगे कुछ लोग कि ये पासवर्ड एग्ज़ाम टाइम पर मतलब ज़रूरी होता है क्या, एग्ज़ाम टाइम पर कौन सा पासवर्ड लगेगा, तो एग्ज़ाम टाइम पर ये पासवर्ड नहीं लगता है, वहाँ पर आपका DOB जो होता है वही पासवर्ड होता है, आपका ईमेल आईडी लगेगा और DOB लगता है एग्ज़ाम टाइम, जैसे एयरफोर्स नेवी में लगता है, आप लोग जानते हो ऑलरेडी, बताने की आवश्यकता नहीं है। और फिर यहाँ पर देखिए ये यही सब है, और बाकी रिजल्ट वगैरह देखते समय आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पर कैप्चा, सिंपली आप कैप्चा को फिल कर दीजिए, बाकी आप सभी में यस टिक कर लीजिए, यस टिक करने के बाद आपको सेव कर देना है, बस आपका सेव हो जाएगा। दोस्तों अभी साइट पर फिर से रीडायरेक्ट हो गया, मतलब यहाँ पर लिखा था योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, तो भाई आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा फिर से, आपको यहाँ पर आना है। आने के बाद अब आपको सीधे आपको लॉगिन पर क्लिक करना है, ये देखिए अग्निपथ स्कीम जो दिखाई दे रहा है इसी में आपको आवेदन करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लॉगिन करोगे, सबसे पहले आपने जो स्टेट डाले हो तो वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना साथियों। ये स्टेट आपको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना है, वो ईमेल आईडी जो थर्ड स्टेप में हम लोगों ने क्रिएट किया था, और जो पासवर्ड यहाँ पर डाले थे वही पासवर्ड डालना है, ठीक है ना। तो चलिए डाल देते हैं, कैंडिडेट्स का हो गया, चलिए ईमेल आईडी पासवर्ड डाल दिए, अब सिंपली लॉगिन करते हैं। दोस्तों लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ आना है, करेंट अपॉर्चुनिटी में आना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको देखना है कि अभी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है या नहीं, आपके लिए कोई फॉर्म निकला या नहीं। तो भाई अभी देखिए यहाँ पर कुछ अपडेट नहीं किया गया, यहाँ तक कि जहाँ तक सूचनाएँ मिली है मुझे 15 जुलाई से आपका फॉर्म जो है यहाँ पर भरा जाना चालू हो जाएगा, जबकि आप आवेदन कभी भी कर सकते हैं, अभी भी कर दीजिए। और यहाँ पर अग्निवीर के लिए देखते हैं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, देयर आर करेंटली नो जॉब्स अपॉर्चुनिटी अवेलेबल एट दिस मोमेंट, मतलब आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया होगा। नहीं भी हो रहा है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के बाद आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और आपका मतलब जो भी प्रॉब्लम होगा सोल्व कर दिया जाएगा, और आपका फॉर्म को फिलअप करवा दिया जाएगा साइबर के थ्रू, ठीक है ना साथियों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टिल आई हैव अ नाइस डे, वंदे मातरम।